ओम मंगलम हंग बाबा भगवान विष्णु मंगलम गरुडोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्य माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम्। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। टीवीर सीधा प्रसारण कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत करुचु शुभेच्छा जणाउचु जय जगन्नाथ टीवीर परिवार पक्षरु। आज पवित्र दिवस टीए सावित्री अमावास्या आज निश्चित भाव आम जो अभिलाष रखी थे सूर्य नारायण को दर्शन करने निमंते सूर्यंकर दर्शन सकल शक्तिर आधार से धर्मर देवता दर्शन कर प्रणाम करने आज दिन टू आरंभ करने आकाश रे सूर्य को आम दर्शन करुचे उदय पर्वर सूर्य को जिते बे दर्शन करुचे प्रातः समय सूर्य को दर्शन करुचे से सूर्य को दर्शन करने ही मन भितर आमर अभिलाष रखी थे सुंदर भाव आम तर दर्शन कर मन भितर प्रभु को स्मरण करवा प्रात पर परमेश्वर प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ परम ब्रह्म व्यंग उड़ूंट आकाश रे जो दृश्य को आम टे देखि था सूर्यंकर उदय पर्वर दृश्य को चतुर्पार्श्व आकाशर रंग किभली भाव ताहा अनुभव करुछन जो सप्तरंगर दृश्य आम को आकाशरे देखा जाए से सात गोटी रंग सूर्य नारायण को सात गोटी अश्व बोली कहा जाए सूर्य ही तांकर सप्त अश्व रथरे विराजमान करी से तांकर गोटे दिन यात्रा करी थांती चराचर जगत को तांकर कल्याण कृपा प्रदान करी थांती किरण प्रदान करी थांती समस्त में आम चाहता सूर्यंकर किरण रे जो प्रत्येक उपरे पड़ी थाए सूर्यंकर किरण शरीर उपरे पड़ी थाए मनर उपरे पड़ी थाए विशेष भाव सूर्यंकर दर्शन उदय पर्वर दर्शन आम मानसिक शांति लाभ करी थाओ प्रातः समय जिते बड़े पहुँची जाऊ सूर्य नारायण को दर्शन करने से सूर्यंकर शक्ति एभली किसी अनुभव करू शरीर आमर उत्फुल्लित तो हुए आनंदित तो हुए मन खुशी हो जाए उदय पर्वर सूर्य दर्शन मुहूर्त खुशी रुंती समस्ते मन शरीर सूर्य को दर्शन करिवार जो चिंता करी थाउ समस्त इंद्रिय माने मध्ये सूर्यंकर किरण स्पर्श रे सजागे ही जानते मन भितर समस्त नकारात्मक भाव आपे आपे चली जाई थाए केवल मनटी शांत भाव रे रहे गोटे मनोबल बढ़ी थाए मन भितर केही जणे शक्ति प्रदान करती ए अनुभव हुए मनीषर मन जेतेबेले भांगी जाए था से कौन से कार्य करने को सक्षम हो न था कर्मशक्ति कमी जावा सहित मनशक्ति मनर बल मध्य सेऊणा हुए बोली मन करें तेणु निश्चित पक्ष आम देह मन इंद्रिय मानक नहीं शरीर भितरे रहीचे बा शरीर भितरे समस्त जंत्र सदृश रही मन देह इंद्रिय कारण मन मानव समाज पर गोटे बड़ उपहार जो मन को भगवान प्रदान करी से मन को सुस्थ रखिबा शांत रखिबा आमर कर्तव्य सेतिपे आमु किछि करिबाकु हिथाय किंतु मन सदा बेले इतस्तत चलचंचलित होइथाय मन को नियंत्रण करिबा आवश्यकता होइथाय
ନିଜର ମନକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମନ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ମନ। ମନ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗତି କରିବ, ମନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସିଏ ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଯିବେ, କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବେ, କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ପାଇଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ମାଧ୍ୟମ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳାତ୍ମକ ମନ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବିକଳାତ୍ମକ ମନ, ଏଣୁ ଏହା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା, କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଏଭଳି ଦ୍ରୁତତମ ଯାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ କିଏ? ନା ମନ। ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସେ। ଏ ଭାବନା କେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ତ କେତେବେଳେ ବିବ୍ରତ, କେତେବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ତ କେତେବେଳେ ଶୈତାନର କାରଖାନା ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମନକୁ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବିପଦର ପଥ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିବେ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଠାଇଥାଏ ବା କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳିତ କରେ? ନା ବିପଦଗାମୀ ରାସ୍ତାରେ। ସେ ବିପଦଗାମୀ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଏ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତାରୁ ସେ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ସଫଳତା ପାଇବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ପାଇଥାଏ, ସଫଳତା ପାଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ତା'ର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ଥିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସ୍ଥିର ମନ ନାହିଁ ତେବେ ଅସ୍ଥିର ମନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଅସ୍ଥିର ମନରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥିର ମନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା କିଛି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିରତାକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏହି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇପାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ପର୍ବ। ତେଣୁ ମନ ଯେତିକି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥାଏ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥାଏ, ସେ ଆପେ ଆପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ବି ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ନିମଗ୍ନ ରହେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାର ଭୋଗ ବିଳାସରୁ ସୁଖ ପାଉଥିବ, ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଅବାସ୍ତବ ସୁଖ ପଛରେ ଯାଉଥିବ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ପଛରେ ସେ ଯାଉନଥିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ
ସେତେବେଳେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ? ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ। ସେଇ ମନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବେ କୁହାଗଲା ଧ୍ୟାନ କରିବେ। କାରଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ନିଶ୍ୱାସ ମନ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଟି ସ୍ୱତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ମନ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ମନ ବା ସ୍ଥିର ମନ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମନ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନ ପାଇବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ ରହିଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କୌଶଳ ଶିଖିବା, ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଆସିଯିବ। ମନ ଯଦି ଭଲ ରହେ, ମନ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ମନ, ମନର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ। ସେ ମନ ଯଦି ଠିକ୍ କରିବେ, ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, କାରଣ ମନର ରାଜା ଶ୍ୱାସ, ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହିଁ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆତ୍ମଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ୱାସହୀନ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆତ୍ମର ଜୟ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ୱାସହୀନ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଧୀର ନିୟମିତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଏସବୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯଦି ରହିଛି ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣ ଆର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିଏ ନା ମନର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନ। ମନ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ଯଦି ସତ ଚିନ୍ତା କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା। ଯୋଗ ମନରୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିଛି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, କିଛି ଯୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଜ୍ୟୋତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ,
से जना पड़ी जाती ए लोकटी की व्यक्तित्व टी कि दिव्यत्व लाभ कर सूर्यंकर उपासना सठिक भाव कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सबू अभ्यास करू करूर के अभ्यास सिद्धि प्राप्त हो जाते प्रत्येक दिन आध्यात्मिक पथ हो बा केतक निर्दिष्ट नियम चलिबा दरकार जो विधान नीति नियम रही से नीति नियम मानिक चलिबा दरकार भक्त माने आनंद रे तांकर पतित पावन दर्शन घुमुट मध्य ठिया ही करुचंती प्रणाम करुचंती रूपी कबाट को प्रणाम करुचंती केई केई प्रवेश करू को से मथा नई जाऊँ पतित पावन पिंडी जो कहा जाए पिंडी रे भी मथा नई जाए अखंड दीपटीय दर्शन करती पतित पावन देवंकर देखुचंती से तांकर रात्र काली राति रे संध्यारे तांकर बनक लागी पतित पावन देवंकर एवं दारु विग्रहंकर बनक लागी नीति अनुष्ठित हेउची काली जेतेबेले हेइथिला तांकर बनक लागी नीति दर्शन रु वंचित रहितले भक्त माने सरीबा परे दर्शन प्राप्त हेइथिले तेणु निश्चित भाव रे महाप्रभुंकर नीतिकांति एभले नीतिकांति रहिछि बेले बेले महाप्रभुंकर द्वार बंद हुए पहड़ नीति हुए तेणु आज जितेबाला देखुं द्वार फिटा नीति दर्शन रु आप वंचित रही तेणु काली रात्र महाप्रभु द्वार पड़ी ना जिते द्वार पड़ न थाए द्वार फिटा नीति हो न थाए केवल मंगल आरती ठार नीति धरा जाए कारण प्रभुंर दैनंदिन नीति भितर आमे कहू कौन ना द्वार फिटा नीति आद्य नीति प्रथम नीति होता है तत्पर भीतर शोध ही महाप्रभु मंगल आरती संपन्न हुए जो दिन द्वार पड़ न थाए उन्मुक्त थाए रात्र सारा पूर्व द्वार जो सिंह द्वार पड़ न केवल मंगल आरती ठारू नीति धरा जाए मंगल आरती संपन्न हुए आज भी से द्वार खोल नीति आम दर्शन करे काली महाप्रभुंर द्वार बंद होना नीति बहुल अच्छी तेणु नीति की संपादन करू कर समय भी गड़ी जाए कारण आज हूँ एक पवित्र दिवस टीए आज हूँ सावित्री अमावास्या आज पुणी श्रीमंदिर महाप्रभुंर अमावास्या स्वतंत्र नीति रही प्रति अमावास्यार स्वतंत्र नीति रहे सागर विजे आज अमावास्या नारायण आज सका धूप बढ़ापर प्रभुंठार आज्ञामाल प्राप्त ही स्वतंत्र पालंकी विमान बड़ू सेवकों स्कंदर संप्रक्त सेवक मान सहित सेवक जो मैंने सेवा पाई थाए से सहित नारायण सिंह द्वार बाटे बाहरी वाँस दांड वालीसाई दे स्वर्गद्वार निकट में पहुँची तांकर देवनीति संपन्न करने पुनश्च हरिदास मठ दे यमेश्वर महादेवंकर मंदिर दे गोड़बाड़ साई हरचंडी साई मणिकर्णिका साई बाटे आसी दक्षिण द्वारे बाहरी पुणी पुनश्च से काकुड़ी खाई छक दे श्रीमंदिर को प्रवेश करते पूर्व द्वार बाटे एभली नीति सागर विजे कहुए से नीति आज भी आप सीधा प्रसारण कार्यक्रम जय जगन्नाथ टीवी दर्शन प्राप्त हो पारे अमावास्या नारायण को दर्शन करवा अमावास्या दिन अशेष पुण्य अर्जन कर मनर समस्त शोक दूर हो जाए नाश होता है अमावास्या नारायण को दर्शन कले कारण आज तिथि हूँ अमावास्या तिथि आज तिथि हूँ अमावास्या तिथि आज अमावास्या हूँ सावित्री अमावास्या गोटे व्रत जो सावित्री व्रत को माँ माने पालन करती सावित्री व्रत को कहीं पालन करती एवं सावित्री अमावास्या दिन कौन कौन विधि विधान रही थाए पुणे आज हूँ गुरुवार
गुरुवार आमे अमावास्या पड़ी सावित्री अमावास्या पड़ी विशेष गुरुत्व दिन टे पुणी श्रीमंदिर आज आउ कौड़ नीति अच्छी जल क्रीड़ा प्रभुंकर जो भीतर चंदन होता है से भीतर चंदन जल क्रीड़ा नीति रही आज दिन आउ कौन रही श्रीमंदिर महाप्रभुंकर ना रोहिणी वृष नक्षत्र बंदापना स्वतंत्र भाव रे बंदापना नीति रही थाए रोहिणी वृष नक्षत्र बंदापना नीति होता है एवं आज माजणा एकांत नीति रही माजणारे विजय प्रतिमा तांकर रत्न सिंहासन भूदेवी श्रीदेवी सहित दक्षिणी घरु मदन मोहन आगमन होता है माजणा नीति संपन्न परे पुनश्च महाजन सेवक हस्तर से मदन मोहन तांकर स्वस्थान दक्षिण घर को जाती एवं भूदेवी एवं श्रीदेवी रत्न सिंहासन को आगमन कर महाजन सेवक मान आनी रत्न सिंहासन विराजमान करती सी पुणि भूदेवी श्रीदेवी तांकर अंगलागी प्रभु सहित हूँ जाकु माजणा नीति कहा जाए ये भितर हुए श्रीमंदिर भितर स्वतंत्र भाव में माजणा मंडपटी अच्छी से माजणा मंडपर तांकर नीति होता है दही रे स्नान करिवे प्रसाद लागी हबो बेस हेबे खट उपर बसिबे ए संप्रुक्त सेवक माने तांकर माजणा नीति करिथांती आज पुणी एकांत नीति हबो भगवान का सहित भगवती एकत्रित गोटे कथोपकथन होता है संसार मंगल करने संसार आलोचना होता है प्रभु सबुबले भक्त सहित रुहति प्रभु सबुबले भक्त कथा को बुझु बुझु से गोटे दिन मध्य माँ भगवती लक्ष्मी को समय दे था प्रभु लक्ष्मी सहित भगवती सहित कथोपकथन होता है ता भीतर भी संसार आलोचना पड़ी थाए तेणु ताकू कह जाए एकांत नीति ये स्वतंत्र भाव रे लक्ष्मी मंदिर जगमोहन रे लक्ष्मी जो मंदिर रही से लक्ष्मी जगमोहन रे प्रदान करा जाए समस्त देवनीति अनुष्ठित होता है से देवनीति अनुष्ठित होगापाई आम कौन करूँ ना जिते बड़े एकांत नीति हम संप्रत सेवक मैने थे तेणु आम देखु कौन ना एकांत नीति कहीं हुए एकांत नीति रे क्यों विजय प्रतिमा जानती ए सबू जे एकांत नीति आज हबो से संपर्क आमर जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम निश्चित भाव में आपड़ जानवाक पाइबे के स्थान हुए विजय प्रतिमा किए जाती संप्रत सेवक मैने की सेवा एकांत नीति हुए पुनश्च विजय प्रतिमा के स्थान को आसती समस्त व्याख्या धारा बरणी जय जगन्नाथ टीवी आपड़ जापर से आम आपण मैने श्रीमंदिर कौन कौन नीति आज हम सका आपगले मनटा आपण शांति लगे जाणीगला आपण भी धरतु एजुक करार अच्छी उपवास रे कि विशेष भाव घर ठाकुर को पूजा करे जहाँ भी करेंगे गोटे मनरे जाणीगला आज श्रीमंदिर महाप्रभुंर आम जगन्नाथ हूँ खुशी लगे तेणु जनईवापी सका प्रहर जितेबले मन पकईदेवाई जय जगन्नाथ टीवी रही सब बड़े आपण मैंने अपेक्षा करती नुआ नुआ कथा आपण अपेक्षा करती श्रीमंदिर आज कौन हम ये सब आपण चिंता थाए से चिंता ही आपण को खुशी दिए केत जाणी जाती विशेष भाव भक्त को देखुं प्रवेश करुंच प्रभु को दर्शन करने को जाऊंट प्रभु को दर्शन करने को जिते बड़े जा चिंता करुंट दिने ना दिन आम ए पूर्व द्वार को आसी प्रभु को दर्शन करवा
ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ସାଗର ବିଜୟର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ରୋହିଣୀ ବୃଷ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ଏକାନ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସାଗର ବିଜୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜିର ସୁବିଧା ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଯିବେ, ଯେମିତି ଭକ୍ତ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଶେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା, ଯେତିକି ଯେତିକି ଆପଣ ରଥ ଖଳାରେ ରଥ ତିଆରି ନିର୍ମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ ରଥ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସେଇ ଗହଳ ଚହଳ ଲଗେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ଟାହିଆ ଲଗେଇ ନାଚନ୍ତିନି, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନର ଭାବନା ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରେ ଦେଖିବେ। କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା? 32 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା। ମାତ୍ର 32 ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ, ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ, କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ନାହିଁ, ବିରତି ନାହିଁ, କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତର ଦର୍ଶନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତର ଦର୍ଶନ କେବଳ ରଥକୁ, ଭକ୍ତର ଦର୍ଶନ କେବଳ ରଥର ଦାଣ୍ଡକୁ, ଭକ୍ତର ଦର୍ଶନ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ସେହି ସମୟ 32 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟକୁ ନେଇ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା, ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି କ'ଣ ନୀତି ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା। ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ। ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଉଠି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାରି ସେ ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଫଳ ଆସିବ, ଘର ଲିପାପୋଛା ହେବ, ଠାକୁର ଘର ଲିପାପୋଛା ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟିକୁ। ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ଏ ବ୍ରତଟି ମାଆମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଅମାବାସ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ପତିବ୍ରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ନିଦର୍ଶନ ଆଜିର ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଚରିତ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାରୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସକଳ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ସକଳ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କର ମନ ଶରୀର ସବୁକିଛି ସୁସ୍ଥ ରହି ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ସକାମ ଭାବ ଆସିଯାଇଥାଏ।
तेणु निश्चित भाव सूर्य को दर्शन करिवे। अमावास्या तिथि सावित्री अमावास्या कारण जीव सृष्टि मूलधार सूर्य सूर्यंकर नारी शक्ति सावित्री सावित्री अमावास्या सूर्य को दर्शन कले निष्काम मन निश्चित भाव प्राप्ति हेबे। जो निष्काम मन पर आम चिंता करूचे निरोग आरोग्य कामना करूचे सूर्य ठारु से सूर्य को आज दर्शन जो माने करिवे निश्चित भाव निष्काम प्राप्ति हेबे। निष्काम मन तांकर हब एवं गायत्री मंत्र रे सविता बा सूर्यंकर आराधना करा जाए। गायत्री मंत्र रे सविता बा सूर्यंकर आराधना करा जाए ता मध्य सावित्री मंत्र रूपे प्रसिद्ध जो कहा जाए ओम तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो जनः प्रचोदयात्। ये वैदिक मंत्रटी गायत्री छंदरे रचित होता है सावित्री मंत्र रूपे सर्वजन विदित तेना आज दिन टी निश्चित भाव सावित्री अमावास्या बोली कहीदेले हम नहीं। ए सावित्री व्रत कथा जिते बड़े जानुचंती सावित्री जानुचंती सूर्यंकर नारी शक्ति होती सावित्री। आज जो माने भी सावित्री व्रत करती प्रभु को दर्शन करने समर्पित होकर तांकर मन को दे दिंती आज प्रबल भिड़ श्रीमंदिर रेहेतु सावित्री व्रत ए व्रत को समस्ते पालन करती आते सूर्यंकर उपासना आज करती से भक्तों मन भितर दर्शन भाव प्रकटित होता है। दर्शन करिवे एवं व्रत को पालन करिवे सूर्यंकर आराधना करिवे सावित्री मंत्र रूप प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र गायत्री छंदरे सावित्री मंत्र रूप जो सर्वजन विदित रही उच्चारण करिवे व्रत प्रणयन विवाह दीक्षा ग्रहण काल जो सावित्री मंत्र प्रदान करा जाए सावित्री छंदरे सावित्री मंत्र मनुष्य को मृत्यु ठारु रक्षा करने सहित पुनर्जन्म प्रदान कर सहायक होता है। तेणु सावित्री उपासना वैदिक युगर प्रचलित हो आसी आज से सावित्री अमावास्या आज से सावित्री अमावास्या सावित्री उपाख्यान देखिए मद्र देशर राजा अश्वपति संतान प्राप्ति निमंत एक लक्ष गायत्री मंत्र जप करी देवी सावित्री को निजर कन्या रूपे ही पाई सावित्री किए बोली जो आम कहे सावित्री उपाख्यान वर्णित मद्र देशर राजा अश्वपति संतान प्राप्ति निमंत ही लक्षे गायत्री मंत्र जप करी देवी सावित्री को निजर कन्या रूपे ही पाई तेरे सावित्री पिता होती अश्वपति राजा अश्वपति एकमात्र कन्या थिला किए ना सावित्री थिले तेणु एकमात्र कन्या सावित्री निमंते सुयोग्य बरपात्र संधान से था सावित्री सखी मानक सहित जंगल को बुली जीवा समय रे सत्यवान सुंदर रूप से मुग्ध हो प्रतिरूपे वरण कर सत्यवान थिले राजा द्विमत सेन पुत्र किंतु राजा द्विमत सेन राणी अंध हो शत्रु माने राज्य विताड़ित करदे राजा जंगल में रहुते पुत्र सत्यवान प्रतिदिन जंगल रू काठ आणिकी बजार बिक्री करी पितामाता को प्रतिपोषण करुले दुखददायक समय दुखददायक घटना तेणु जिते बड़े आप देखुं सत्यवान कथा से जंगल रू काठ संग्रह कर बिकी पितामाता सेवा कर भरण पोषण कर सावित्री घर को फेरी पिता को समस्त घटना कहले कहीं जिते बड़े सत्यवान सहित देखाहीकर सुंदरतार मुग्ध हो प्रतिरूपे वरण कर घटना सावित्री घर को फेरी पिता को समस्त घटना जन ए समय त्रिकाल कहा जाए त्रिकालज्ञ देवर्षि नारद देवर्षि नारद को त्रिकाल कहा जाए देवर्षि नारद उपस्थित थाई समस्त कथा शुणिले से राजा को कहले सत्यवान परमायु मात्र एक वर्ष बाकी अच्छी आज ठारू ठीक एक वर्ष पूर्ण हेबा दिन तार मृत्यु सुनिश्चित
नारदंकर कथा शुणी अशोपति सावित्री को बुझा सुझा कले कि सावित्री निज प्रतिज्ञार अटल से पिता कहले मु सत्यवान को पति रूपे वरण कर सारी तेणु मु द्वितीय स्वामी ग्रहण करें शेष अशोपति सत्यवान सहित सावित्री विवाह करदे अटल जेतेबेले रही सावित्री से विवाह करई सावित्री स्वामी सहित जंगल रे कुड़िया घरे रहिले अंध सासु ससुरंकर सेवा देवता मानकर पूजा उपासन रे दिन तांकर बीती थाए सावित्री प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण पूजा व्रत पालन करती लक्ष्मी एवं नारायण को प्रत्येक दिन से प्रतिदिन तांकर उपासना करती एपरी गोटे वर्ष बीतीगला ज्येष्ठ से दिन थाए कौन ज्येष्ठ मास अमावास्या नारदंकर निर्देशित सत्यवानंकर अंतिम दिवस सावित्री निर्जला उपवास करी समस्त देवदेवींकर पूजा अर्चना कले सत्यवान जेतेबेले जंगल को काठ पाई गले सावित्री मध्यरे से जंगल को जाइचंती सत्यवान जंगल को काठ पाई गले सावित्री मध्य संगेरे गले निमिषक पाई स्वामी को दृष्टिपथरु अंतर करूनाहांती पतिव्रता नारी छाई भली स्वामी पाखे रहिले केमिति जम नव से कथा मु मनर बल मनर दृढ़ विश्वास भगवान ईश्वर प्रति लक्ष्मी नारायण प्रति जो विश्वास तेणु जगी था निमिषक स्वामी को दृष्टिपथरु अंतर करूना हठात सत्यवान काठ आणुवा बेले मुंडे जंत्रणा अनुभव कले गछर ओह्ल सावित्री कोले मुंड सावित्री स्वामी को कोले धरी मने मने लक्ष्मी नारायण को स्मरण करूता चिंता करूँगी भगवान को चिंता करूँगी भगवती को सत्यवान मृत्यु को बा सत्यवान मृतात्मा को नेपाई जमदूत मैंने आसी पहुँचीगले कितु से सावित्री पतिव्रता धर्मपरायणता तेजर तक पाखक आ जापारे ना सावित्री एभली भाव उपासना करूले व्रत धारण कर पतिव्रता शक्ति द्वारा धर्मशक्ति द्वारा से तांको पाखकु को माने जाई पारे ना जमदूत माने शेषर स्वयं जमराजा आसिले कारण से माने जमदूत माने सावित्री पाखकु जेतेबेले न जाइचंती जमदूत जम को जाई कहिले जमदूत माने जम निजे महिष वाहन आसी उपस्थित हेले से सत्यवान आत्मा को बांधि नहीं जावाक जेतेबेले चाहती सावित्री जमराजा को पछे पछे धाइले जमराजा सावित्री को अनेक बुझेले किंतु पतिव्रता जी से पतिव्रता सावित्री जमराजंकर पछे पछे सत्यवान आत्मार अनुसरण कले जमराजा तंकु कहिले तुम्हें स्वामी जीवन व्यतीत अन्य जो वर माग मुदेवी सावित्री जमराजा ठारु तीनोटी वर मागिले प्रथम वर में अंध शाशु शशुर चक्षु और राज्य फेरी पाइबे द्वितीय वर निज पितांकर पुत्र संतान जन्म हेबो एवं तृतीय वर में निजर एक शतपुत्र जन्म हेब सावित्री चतुरता बुझ न पारि जमराजा सावित्री को से तीनोटी वर प्रदान कर फेरी जावाई कहले उत्तर सावित्री कहले तुम्हें तुम स्वामी को नहीं जाऊ तेबे मु शतपुत्र जननी हेबि किपरि जमराजा सावित्री निकट में हार मानि सत्यवान जीवन पुनश्च लेउटै सत्यवान पुनर्बार जीवदान पाई निदर उठी पड़िले सत्यवान सावित्री ठारू समस्त घटना शुणिले सावित्री और सत्यवान गृह को फेरी देखिले पिता माता दृष्टिशक्ति फेरी आसी तार किछि दिन परे द्विमत सेन राजसिंहासन फेरी पाइले पिता अश्वपति पुत्र संतान जात हेला कालक्रमे सावित्री गोटिक पर गोटे एपरी शहेटी पुत्र जन्म नेले सावित्री सतीत्व पतिव्रता धर्मपरायणा बा धर्मपरायणता जोगु ही भाग्यर गतिपथ बदली गला तेणु भाग्य परिवर्तन करिबा पाई प्रभुंकर उपासना लक्ष्मी नारायणकर उपासना गायत्री मंत्रर उच्चारण सूर्यंकर दर्शन भाग्य परिवर्तन करि दै थाए आज जो माने एतक करि थांती कारण आज से अमावास्या सावित्री अमावास्या जो सावित्री अमावास्या रे लक्ष्मी नारायण को दर्शन लक्ष्मी नारायण को उपासना लक्ष्मी नारायण को पूजा ये सब करा जाए गायत्री मंत्र को जप करा जाए
गायत्री मंत्र को ध्यान करा जाई थाए, सूर्य को दर्शन करा जाई थाए, से माने निश्चित भाव रे तंकर समस्त जो भली भाव रे आमे देखिले निजर धर्मपरायणता पतिव्रता सतीत्व को बजाय रखिछंती ता द्वारा कौन कौन से तंकर वर द्वारा प्राप्ति होती से कथा आपण वर्णित कथा जानिले कारण स्वामी जीवन रक्षा सहित शाशु शशुर दृश्य शक्ति राजसिंहासन प्राप्ति सहित निज पितांकर पुत्र संतान लाभ ये समस्त ये समस्त कारण हेउची सावित्रींकर धर्मपरायणता से कह जाए धर्म को पालन करुवा नारी धर्म को पालन करुवा व्यक्तित्व पुरुष धर्म विश्वासी सबुबले विजय लाभ करते एभली कि मृत्यु को मध्य विजय लाभ कर दिखाते सावित्रींकर धर्मपरायणता सत्यवान को फेरी पाई पतिव्रता सत्यवान को स्वामी को फेरी पाई एवं शाशु शशुर दृश्य शक्ति पुनर्बार से फेरी पाई तेणु आमे आज दिन की समग्र नारी जातिर सावित्री होती पूजनिया कारण ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि सावित्री निर्जल उपवास रही लक्ष्मी नारायण को व्रत पालन कर जमराज बरलाभ कर ज्येष्ठ मास अमावास्या सावित्री अमावास्या रूपे समस्ते पालन करती विश्वास अमावास्या रूपे समस्ते पालन करती प्रत्येक नारी माने आज दिन में आज दिन टी सावित्री व्रत पालन करी लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना कर प्रधान पर्व आज नारी मानक विभिन्न अंचल देखिए व्रत पालन करेंगे प्रत्येक हिंदू नारी धनी धनी हो दरिद्र हो निर्विशेष व्रत सी पालन कर धन अच्छी सी आज व्रत को निष्ठार सहित पालन करे जे निर्धनी धन ना सी आज लक्ष्मी को पूजा करी धन प्राप्त हुए किंतु व्रत समस्ते आज पालन करेंगे नारी मैंने जो कहुए सावित्री व्रत को पालन करेंगे शुद्धपुत्र भाव में व्रत पालन करती लक्ष्मी नारायण को पूजा करती ओडिशार देखिए उत्कलमाटी पुरपल्ली शिव मंदिर बा ग्रामदेवी जो गाँव में ग्राम देवती माने था ग्रामदेवी मंदिर मानक सावित्री पार्श्वदेवी रूपे प्रतिष्ठित था से जो पार्श्वदेवी रूपे सावित्री से सावित्री उपासना कर नुआ लुगा नहीं था शंखा सिंदूर नहीं था फलमूल पाचिला फलमूल नहीं था अत्यंत व्रत गोटे नहीं था ये समस्त सावित्री उपासना करें गाँ गाँव में सहर से प्रत्येक स्थान तेणु सावित्री अमावास्या आज दिन सावित्री देवी विशेष पूजा नीति जो माने व्रती माने था चुआ सिंदूर फूल भोग ये सबू मंदिर को लेकिन जाती मंदिर मानक पूजा सहित प्रत्येक गृह में सावित्री व्रत को पालन करती पूजा करती गृह सुंदर भाव जो पथर शिलपुआ आपण देखिथे ये केते परंपरा आमर ये परंपरा भितर केते आनंद रही जो परंपरा को आम देखिले पालन कले खुशी मिली था आनंद मिली था आज दिवस पथर शिलपुआ को सिंदूर फूल चंदन लाली कनारे सजेकी सावित्री ठाकुराणी रूपे पूजा करती माँ मैंने जो प्रत्येक दिन शील शिलपुआ थाए रोसई करने मसला बटा जाए आध्यात्मिकता भाव रही जहाँ को आम व्यवहार करुचे गोटे रोसई सामग्री गोटे रोसई सामग्री मसला बटा शील को मध्य आम देवी रूप से उपासना करुचे ये हूँ आम विश्वास से पथर शिलपुआ को जितेबाला सिंदूर चंदन लालिकना सजाई दिया जाए से ही जानती सावित्री ठाकुराणी आज दिवस पक्व फल आंब पणस कदमी सपुरी केन्दु बणरे फले बणफल जो कहा जाए बणर फल सावित्री पूजा करा जाए कहीं सावित्री बणरे रही जंगल फूल फल लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करते लक्ष्मी नारायण और सावित्री ठाकुराणी सहित सत्यवान जमदेवता पूजा अर्चना कराए कहीं पाचिला फल प्रदान कराए आज दिन दिन दिवस
देखिबे आंब जोउटि थाउना आंब आसी जाइथिब। आंब पणस सहित कदळी सपुरी केन्दु एसबु बणर फल बोली कुआ जाए। आज दिन रे ई फलमूल विशेष भाव रे सावित्रीक पाखरे पूजा करा जाइथाय एवं लक्ष्मी नारायण को पूजा करा जाइथाय। कारण प्रत्येक पुरपल्ली रे घरे घरे सावित्री व्रत, प्रत्येक घरे आज सावित्री व्रत, समस्त नुआ लुगाटे पिंधि तांकर से सावित्री ओषा को ओषा बोली कह जाए। सावित्री ओषा कहतु सावित्री व्रत कहतु से पालन करी। विशेष भाव नव विवाहिता झीव बहु मान प्रथम व्रत उपलक्षे से मानकर जो शाशुघर बाप घर सावित्री हार आसी थाए। गोटे भार परंपरा विधि प्रचलित रही सावित्री भार आसब प्रथम भार सावित्री दिन दि जाए। प्रथम सावित्री जो नववधु माने करती मनरे अशेष उत्कंठा अत्यंत उत्कंठा थाए। कारण से पतिव्रता हेबापाई व्रत को धारण करेंगे। आज स्वामींकर मंगल परिवार मंगल जो घर को से परिवार करी नहीं चंती आपणार करी नहीं चंती नववधु हिसाब से जा से परिवार मंगल चिंता करती भगवान को पाखरे आज व्रत को धारण कर। तेणु विशेष भाव नव विवाहिता झील बहु मानक प्रथम व्रत शाशुघरे पालन करेंगे। बाप घर जाइव सावित्री भार, सावित्री भार आदान प्रदान रे गोटे आनंद थाए। व्रत पालन गोटे आनंद थाए। ये व्रतटी से आनंद उल्लासर पर्व। कारण भार जिते बड़े जी निए से आनंदित हुए भार दे कि आनंदित हुए। मो बहु घर भार आसी सी भी मध्य आनंदित हुए। तेणु आनंदर पर्व कहले अत्युक्ति हेब ना। आज से आनंदर पर्व हेउची सावित्री अमावास्या बा सावित्री व्रत। जो सावित्री व्रत को जो माने पालन करती से माने निश्चित भाव आज दिनर पुण्यता लाभ करिवे। पुणि विशेष भाव सूर्य को जेतेबेले दर्शन करिबा सबुदिन सूर्य को दर्शन करूचे। आज जो माने दर्शन करिवे से मानकर सूर्यंकर करुणा सूर्यंकर कृपा लाभ करी समस्त रोगरु से मुक्त हेबे। दृष्टि शक्ति जो मानकर दृष्टि शक्ति जनित किसी समस्या थाए चक्षु जनित चक्षु समस्या थाए से माने मध्य आरोग्य लाभ करिवे। कारण तांकर सूर्यंकर नारी शक्ति होउचंति सावित्री बोली वर्णित रहिचंति। से सावित्रींकर पूजा पार्वण दिन को आज मन पकईदेवाई जो सावित्री व्रत नाम गोटे व्रत से व्रत को पालन करी गायत्री मंत्र को उच्चारण जप करी आज से मानकर व्रत पालन करी थांती। व्रतधारी माने लक्ष्मी नारायण कर दर्शन मध्य करी थांती। समस्त भी घरे घरे ये व्रत को पालन करुचंती। सकाळ उठी पड़ी नाना आदि प्रकार घर पोछा पोछी ठार आरंभ करी धुआ धुई शुद्ध करने निर्मल करने परिष्कार परिच्छन्नता करने कारण जी परिष्कार परिच्छन्नता रही था से मन परिष्कार परिच्छन्नता रही था। आध्यात्मिकता मार्ग बा परिवेश बा उपवास व्रत दिन मन पवित्रता निर्मल लगी थाए मन शांत लगी थाए। सेतिपाई ये व्रत ओषा जो ओषा पड़े व्रत पड़े से ओषा व्रत आम कि देवदेवी उपासना करद्वारा मन से रही थाए। से मन जोटी रही थाए मन शांति ही थाए। तेणु आज जो खजा देखुं खजा भी आवश्यकता है थाए। खजा भी पूरी की आसी जो माने दर्शन करी सावित्री व्रत को पालन करेंगे कई कई पूरी आसी जाती पूरी आसिक लक्ष्मी नारायण को दर्शन करते। लक्ष्मी नारायण को दर्शन करवा परे से माने पुरी रु निर्माल्य महाप्रसाद खजा ये सब नहीं कि जा था। कारण पुरी को जो माने आसंती खाली हाथ में कौन जीवे बंधु बांधव घर परिवार मानक साई पड़ीसा
शुक्ला महाप्रसाद हो निर्माल्य पुड़िया हो कि खजा हो नहीं थांती ये समस्त नहीं कि जाए घरे जत बेले पहुंची जांती पुरी रु जा पुरी जाइतलो पुरी रु आसीची सी गोटे आनंद परिवेश सृष्टि हो जाए आनंद परिवेश सृष्टि हो जाए तेणु से आनंद परिवेश सृष्टि करिबा पाई समस्ते चाहती आज पुणी महाप्रभुंकर कहुचे आज नीति में रोहिणी वृष नक्षत्र बंदापना रही थाए नक्षत्र बंदापना बोली जहाँ कहा जाए लीलामय दारुब्रह्म प्रभुतांकर रीति नीतिर स्वतंत्रता रखिकी से लीला करुछन प्रत्यय श्रीमंदिर लीला तांकर लीला प्रतिदिन श्रीमंदिर जो द्वार को देखुछन धर्मर द्वार यही बाटे से लीला को देखापी भक्तंकर व्याकुलता देखंतु आज प्रभु को दर्शन करिवे आज लक्ष्मी को दर्शन करिवे नारायण को दर्शन करिवे आज पुणी प्रभुंकर नक्षत्र बंदापना ये कथा जानिकी मध्य अनेक प्रभु को दर्शन करने को आसी था आज पुणी कहार बंदापना कहगला ना रोहिणी वृष नक्षत्र बंदापना बलभद्र श्रवणा मकर जगन्नाथ रोहिणी वृष जगन्नाथ हे रोहिणी वृष सुभद्रा ज्येष्ठा बिछा ये बंदापना कौन ठाकुर जन्म नक्षत्र पड़े से दिन नक्षत्र बंदापना नीति अनुष्ठित होता है जगन्नाथ बलभद्र जन्म नक्षत्र पड़े जमती आज हूँ रोहिणी वृष नक्षत्र अर्थात आम कहार जन्म ना जगन्नाथ रोहिणी वृष जगन्नाथ एवं बलभद्र जन्म नक्षत्र पड़े संपृक्त ठाकुर को दुई थर बंदापना होता है नक्षत्र बंदापना जो कहा जाए से दुई थर बंदापना होता है कितु जो सुभद्रा जन्म नक्षत्र पड़े समस्त गोटे बंदापना करा जाए तेणु बंदापना नक्षत्र बंदापना नीति श्रीमंदिर नीति रही सामयिक नीति बोली कहा जाए कारण महाप्रभुंकर दैनंदिन नीति पर्वपर्वाणी नीति सामयिक नीति ये सब रही है नक्षत्र बंदापना नीति निमंते स्वतंत्र भाव पर्वजात जोगाणिया सेवक रही था ए मंडप आपन को कहीदेक चाहबू ए मंडपटी बाहर बेड़े पूर्व द्वार पूर्व दक्षिण दिगरे ही रही सी हूँ भेट मंडप बोली कहा जाए जितेबले नीलाद्री विजय दिन देखिए लक्ष्मी आसती प्रभु को देखा से आसिले कि ना मु द्वार देवी रथर ओह्ल नए ये मंडपुर ओह्लैजे प्रभु रथर ओह्लैक चेष्टा करेंगे माँ मंडपुर ओह्लैक चेष्टा करेंगे सिंह द्वार मुह को जा सिंह द्वार बंद करदे प्रभु को पूरे देवे ना तुम्हें बाहर रही मत नहीं नो भावर दृश्य नीलाद्री विजय दिन मेघनाद प्राचीर धीरे धीरे आप देखुं ये हूँ महाप्रभु रोषशाला ये कक्षटी देखुं झरका मान अनेक झरका देखुं ये सब धूआ निर्गत होगापी वायु चलाचल करने रोष घर ये काकुड़ी खाई छक जो लोक जातायात देख जो काकुड़ी खाई देवी अच्छा पीठ ये बाम पार्श्वर देखुं काकुड़ी खाई मंदिर रही स्वतंत्र देवी मंदिर माँ काकुड़ी खाई विमला प्रतिनिधि स्वरूपा विराजिता अच्छा षोल पूजा समय विशेष नीतिमान हुए प्रत्येक दिन काकुड़ी खाई दर्शन जनसाधारण मैंने था स्थानीय बासिंदा मैंने काकुड़ी खाई दर्शन कर समस्त कार्य को बाहरी था तेणु काकुड़ी खाई स्वतंत्र उपासना श्रीक्षेत्र रही थाए से आज कहते कौन बंदापना नीति जे बंदापना पर्वजात जोगाणिया जहा जा दरकार कोरा दरकार गोटे सरा आवश्यकता होता है जोगे था कत हम बंदापना सकाल धूप पर ठाकुर बेशमैलम हो कि जगन्नाथ बाड़े गोटे माल आज्ञा माल लगी होता है जितेबाला मध्यान्ह धूप उठिले मदन मोहन को दक्षिण घर महाजन पुष्पाक सेवक मान भर को विजय करेंगे धूप सरवापर पूजा पंडा पति महापात्र सेवक मुदिरस्थ कर्पूर आलती बंदापना तीन ठाकुर को बलभद्र बाड़े मुदिरस्थ सुभद्रा बाड़े पति महापात्र एकाएक सेवक एवं जगन्नाथ बाड़े पूजा पंडा सेवक आलती बंदापना बढ़ी था मध्यान्ह धूप आलती
बंदापना कर्पूर बती आलती होइताए बंदापना समय रे विजय काहाली बाजिबो जो काहाली आपण देखुछते काहालिया बोली कहा जाए विजय काहाली बाजी थाए बंदापना समय रे एवं पालिया पूजा पंडा जगन्नाथक आज्ञामाला मदन मोहन को देवा परे महाजन सेवक प्रतिमा को मुक्ति मंडप तले थिबा पालिंकी को विजय करांती एवं पालिंकी को विमान बड़ु सेवक चारि जण स्कंदरे वहन करी तांकर बेढ़ा बोली थांती यही भाव में महाजन सेवक मैंने रही था मदन मोहन को जय विजय द्वार को विजय कर प्रतिहारी सेवक जय विजय द्वार भितर पटु बंद करटसेज मेकअप सेवक द्वार बाहर पटे आसन पकवा पर आसन उपर प्रतिमा विजय हूँ आस्थान प्रतिहारी कोरा गोटे सरा नहीं पूजापना दी उदेश समर्पण कर पूजा कर बंदापना नीति महाप्रभु तेज जाऊ आज नक्षत्र बंदापना आज सावित्री अमावास्या आज जलक्रीड़ा नीति आज सबकि एकांत नीति सबकि अच्छी सबकि विषय आहरी अनेक किसी तथ्य विद्वान पंडित मान प्रदान करेंगे बर्तमान समय हो प्रभु मंगल आरती दर्शन करवा पतित तो पावन देवंर मंगल आरती दर्शन कर मंगलमय ठाकुर को आज सर्व मंगल कामना कर प्रार्थना करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।